कागज से फूल बनाना सीखेंगे। कागज, ये हमारे पास एक कागज है, इसको हम चौकोर बनाएंगे। ये हमने इसको ऐसे ले लिया है, इसको ये हम चौकोर बनाएंगे। पहले भी हम बना चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा कागज है इसको हम मोड़ देंगे यहाँ से, इसको हमने यहाँ से मोड़ दिया है। अब हम इसको कैंची की सहायता से काट देंगे। ये हमने इसको काट दिया है, ये कागज अभी हमारे काम आएगा। अब हमारे पास ये चौकोर कागज आ गया है। अब हमें इसको एक फोल्ड हमने ऐसे कर रखा था, ये हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार इस फोल्ड से जो हमारा हुआ था, इस कोने से इस कोने पर हम एक बार फिर से मिलाएंगे। ये हमारा त्रिकोण बन चुका है। अब हम वापस से इसको आयत में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें एक फोल्ड और कर देंगे, ये चौकोर बन चुका है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये कागज तैयार हो गया है। अब हम इस कागज को खोलेंगे, ये हमारा बीच का पॉइंट है। अब हम इसको ऐसे दबाएंगे और ये वाला कोना जो हमारा है, ये देखिए ये कोना है, इस कोने को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस कोने को हम वापस से इससे ऐसे मिला देंगे। बच्चा, हमारा ये वाला कोना, इस कोने को भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। ये देखिए, ये मिल चुका है। और अब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। ये अब हमारे पास त्रिकोण आकृति आ चुकी है। अब हम इसमें ये इस तरीके से बनाएंगे, एक कोना इधर से मोड़ेंगे हम और एक कोना इसके बराबर में लाकर हम इधर से मोड़ देंगे। ये हमारा कोना मुड़ चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा शेप आ गया है इस तरीके से। अब हम इस पेपर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पीछे भी हम इसी तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से मुड़ चुका है। अब हम इसको, ये हमारा एक कोना और बच रहा है, इसको भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये मुड़ चुका है हमारा। अब इसके बाद ये जो हमारे पोर्शन आ रहे हैं दोनों तरफ से, अब इसके लिए हमें ये जो पेपर की डिजाइन है, ये इधर से इन दोनों के बीच में जो जगह है वो, और इधर से जो जगह है वो, इन दोनों को हम इस वाले पेज से इसको मोड़ेंगे ये इस तरीके से, और इस वाले को हम मोड़ेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए, ये मुड़ चुका है। अब हम इसमें पत्ती बनाएंगे इसकी। ये देखिए, अब हम इसको ये यहां से मोड़ देंगे। ये देखिए, इधर से मोड़ दिया है। अब हम इसको इधर से भी मोड़ देंगे। ये मुड़ चुके हैं। अब हम ये वाले जो होल है हमारे, ये है और एक है इसमें है, अब इस वाले को हम इसके अंदर फंसा देंगे। ठीक है, अब हम इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पीछे से भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये बन चुका है इस तरीके से। इन दोनों के बीच में ये जगह रहती है, एक या एक तरफ, इसको हम इसमें फंसा देंगे। यानी कि इसको या तो हम गोंद से भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास इसमें एक छेद है, इसको हम फुलाएंगे। ये हमारा
फूल फूल चुका है। ये फूल की कली बनी है अभी हमारे पास में। अब हम इसकी पत्तियों को मोड़ेंगे। इसमें चार कोने निकले हैं पत्तियों के, ये देखिए। इसको हम इधर से मोड़ेंगे, ये इधर से, ये देखिए ये फूल बन चुका है। इसी तरीके से हमने एक फूल ऐसे भी बनाया है, इसी कागज से, कलर कागज से बनाया है। इसको भी हम ऐसे ऐसे खोल देंगे। अब हम इसके लिए डंडी बनाएंगे, कागज की डंडी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये कागज की डंडी है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हमारी डंडी बन चुकी है। अब हम इसको इसमें लगा देंगे। ये हमारा कमल का फूल बन चुका है। इसी तरीके से हमने कई सारे फूल बना के रखे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, आप भी इसी तरीके से फूल बनाएंगे और इनको गमलों में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये फूल बनाया है। अच्छा बना है ना, ऐसे ही आप भी बनाएंगे। पत्ती भी लगा सकते हैं हम इसमें, काट के पत्ती लगाएंगे। ये देखिए, दूसरा फूल हमने बनाया है, ये तीसरा फूल है, ये अभी हमने सीखा है। इसी तरीके से हम सारे फूलों को बनाकर गमले में लगा सकते हैं। धन्यवाद।